कोरोना काल में जब लगभग सारा देश वायरस की रफ्तार रोकने के लिए और कोरोना के कहर से बचने के लिए घर पर है, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो अपनी जिंदगी के प्रति फिक्रमंद हैं और ना ही दूसरों की। ये लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर कहीं हवाई जहाज में शादी कर रहे हैं तो कहीं मास्क के बिना मास्क के बारात लेकर इधर से उधर जाते दिखे। ये कोरोना के ऐसे वाहक हैं जिन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस को थोड़ी सख्ती करनी पड़ रही है। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे लाखों लोगों का दर्द लापरवाह लोग क्या समझेंगे। देश भर में कोरोना ब्लैक फंगस से लेकर तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक महामारी को लेकर घातक लापरवाही की लहर चल रही है। तमिलनाडु के मदुरै में कोरोना काल में फ्लाइट में हुई एक शादी का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद विवाद हो गया। नगर विमानन निदेशालय ने हवा में उड़ते प्लेन में की गई इस शादी से जुड़े मामले पर जांच का आदेश दे दिया है। डीजीसीए के मुताबिक मदुरई के एक कपल ने आसमान में यानी फ्लाइट के अंदर शादी करने का फैसला किया। इसके बाद एक विमान कंपनी के जरिए कपल और उसके घर वालों ने रिश्तेदारों के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक कराया। आसमान में उड़ते समय हुए इस शादी समारोह में जो लोग शामिल हुए उनकी बिना मास्क वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कोरोना नियम तोड़कर आयोजित की गई शादी के कई वीडियो वायरल हुए तो डीजीसीए ने सख्त रुख दिखाते हुए मामले की रिपोर्ट मांगी है। डीजीसीए का कहना है कि शादी के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन किया गया। फ्लाइट में मौजूद किसी शख्स ने मास्क तक नहीं लगाया, इसलिए मिड एयर मैरिज की जांच शुरू कर दी गई है। एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहीं एयरलाइंस ने अपने अधिकारियों से कहा है कि घटना से संबंधित कर्मचारियों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने की शिकायत दर्ज की जाए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हवा तो नहीं लेकिन जमीन पर हो रही शादी में बारातियों का मुर्गा डांस वायरल हो रहा है। एमपी में कोरोना गाइडलाइंस के तहत शादी समारोह पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक कुछ लोग चोरी छिपे शादियां कर रहे हैं। टीकमगढ़ में यूपी के मऊरानीपुर से एक बारात आई, रास्ते में पुलिस प्रशासन की टीम ने जांच की तो मालूम हुआ कि 50 से ज्यादा लोग बारात लेकर आए हैं। पुलिस ने बाराती बनकर आए कई युवकों को सड़क पर ही मुर्गा बना दिया, फिर सड़क पर मुर्गा परेड करवाई गई। बाद में पुलिस ने बारात में शामिल सभी लोगों को सख्त हिदायत देकर वापस लौटा दिया। कोरोना महामारी के दौर में एक घोड़े के अंतिम संस्कार में जुटा ये हुजूम देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। कर्नाटक के बेलगाम में मरादी भट्ट का ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग चौंक गए, क्योंकि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि एक घोड़े की अंतिम यात्रा में जुटी भीड़ है। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में जुटे और घोड़े की अंतिम यात्रा में न केवल शामिल हुए बल्कि अंतिम संस्कार के वक्त तक रुके, यानी सैकड़ों लोग घंटों तक बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कोरोना का खतरा बढ़ाते रहे। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो बेलगाम के मरादी मठ का है। स्थानीय प्रशासन ने इसे कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने के आरोप में फिलहाल सील कर दिया है। खबर है कि ग्रामीणों ने आश्रम के घोड़े के साथ पूजा की थी, इसके बाद दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए घोड़े को खुला छोड़ दिया गया था। दो दिनों तक घोड़ा गाँव में चरता रहा लेकिन शुक्रवार की रात अचानक उसकी मौत हो गई। इसकी खबर मिलने के बाद लोगों ने दाह संस्कार का आयोजन किया। इस पूरे आयोजन के दौरान जुटी भारी भीड़ ने कोरोना महामारी के दौर में भारी लापरवाही की है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बड़वानी के ठीकरी इलाके में एक व्यक्ति की मौत के बाद जनाजे में भारी भीड़ जुटी। जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बावजूद लोग जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना अंतिम यात्रा निकाली। प्रशासन की टीम को खबर मिली तो वो लोगों को रोकने के लिए पहुंची। तहसीलदार राजेश कोचले माइक लेकर लोगों को भीड़ खत्म करने की हिदायत देते रहे, लेकिन लोग बेपरवाह नजर आए। प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। प्रशासन की तरफ से उनको अनाउंस किया गया है और इसके बावजूद भी नहीं माने हैं लोग, उनके खिलाफ में जो है कार्रवाई की जा रही है। उसमें संख्या तो करीबन 100 से ऊपर ही थी, अभी जैसे जैसे बयान में आता जाएगा वैसे कार्रवाई आगे बढ़ाते जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोरोना की वजह से लॉकडाउन में लोग राशन के लिए परेशान हो रहे हैं। वृंदावन के TFC सेंटर में प्रशासन ने राशन बांटने के लिए कोविड नियमों का पालन करते हुए टीम तैनात की है, लेकिन राशन के लिए इतनी भारी भीड़ जुटी कि कई महिलाएं राशन लूटने लगी। वहां मौजूद कर्मचारी उन महिलाओं को रोकने में नाकाम रहे। राशन लूटने वालों का दावा है कि कई घंटों तक इंतजार के बावजूद उनका नंबर नहीं आया, जिसकी वजह से वो लाइन तोड़ने के लिए मजबूर हुए। सवाल यह है कि इस तरह से राशन भले ही मिल जाए, लेकिन कोरोना का खतरा भी कितना ज्यादा है। प्रशासन और जनता दोनों को कोरोना नियमों के तहत ही राशन देने की प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि लोगों को सुरक्षित तरीके से मदद मिल सके। साथ ही कोरोना के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग के हथियार को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जितनी लापरवाही होगी वायरस उतनी ही घातक रफ्तार से बढ़ेगा। हरियाणा के हिसार में सोमवार को किसानों ने बड़ी संख्या में भीड़ जुटाई और प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन जल्द खत्म नहीं होने वाला, ये आंदोलन 2024 तक चलता रहेगा। किसानों के मुताबिक हिसार में पिछले रविवार को पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प के मामले में पुलिस की ओर से 300 से ज्यादा किसानों पर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। पुलिस पर आंसू गैस के गोले और बल प्रयोग करने का आरोप है। हालांकि किसानों को ये भी समझना चाहिए कि सिंह बॉर्डर समेत जहां भी वो भीड़ के रूप में आंदोलन कर रहे हैं, उससे महामारी की समस्या और बढ़ेगी। किसानों को अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखना होगा। कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए जिस तरह आंदोलन किया जा रहा है, वो किसी के हित में नहीं है। उधर बंगाल की खाड़ी में कम